हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो सीएसआईआर नेट के लिए जो हमारी क्रैश कोर्स वाली सीरीज चल रही है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का यह है लेक्चर नंबर 8। इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलरेडी 5 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिनमें अभी तक मैं कवर कर चुका हूँ पीटी को, बायसिंग स्टेबिलिटी, पीएन जंक्शन डायोड, जीना डायोड, उसके अलावा क्लिपर सर्किट को मैं कवर कर चुका हूँ। आज का जो लेक्चर है, इसमें हम डिस्कस करने वाले क्लैंपर सर्किट। होपफुली ये जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी मैंने अभी तक आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराए हैं, ये आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल हो रहे होंगे। और अगर आप लोग इन लेक्चर्स को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट भी मिल रहा होगा। जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सीएसआईआर नेट फिजिकल साइंस एग्जाम, तो उन सभी लोगों के लिए लेक्चर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। साथ ही साथ आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करना है, तो WhatsApp ग्रुप का भी जो डिटेल्स है, वो सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अवेलेबल होगी। इसके अलावा आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आपको जो मेरा ऐप है निंजा प्रेप बाय कपिल सर, उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी पर जो कोर्स अवेलेबल होगा आपको, वो क्लासिकल मैकेनिक्स का होगा, जो जस्ट फिनिश होने वाला है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो जस्ट स्टार्ट होने वाला है, दैट वुड बी EMT और क्वांटम मैकेनिक्स या EMT में से एक सब्जेक्ट स्टार्ट होगा नेक्स्ट, एंड That would be from 18th of October। तो अगर आप लोगों को अपनी कोई सब्जेक्ट वीक लग रहे हैं और आपको प्रिपरेशन करनी है, तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। अदरवाइज ये लेक्चर्स भी आप लोगों के काफ़ी वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और लेक्चर को कंटिन्यू करूँ उसके पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने कहा, क्लैंपर सर्किट हम करने हैं। इसके पहले हमने क्लिपर सर्किट पढ़े, काफ़ी ईजी गोइंग लैंग्वेज में हमने उनको पढ़ा था, बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश की थी। उसी तरह से क्लैंपर को भी हम बहुत ही ईजी वे में समझ। क्लैंपर सर्किट जो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं किसी सर्किट के अंदर वेव फॉर्म को शिफ्ट करने के लिए। यदि कोई वेव फॉर्म, मान लो यहाँ पर कोई वेव फॉर्म ऐसे चल रही है, और उसका ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस से ऊपर या नीचे शिफ्ट करने, ऊपर या नीचे शिफ्ट करने का मतलब क्या है, या तो इसको ऊपर शिफ्ट कर दूँ यहाँ पर, तब कि ये यहाँ से चालू हो, जीरो से चालू होने के बजाय ये यहाँ से चालू हो, या फिर इसको नीचे शिफ्ट कर दूँ ऐसे। अगर हमें शिफ्ट करना है, मतलब या तो यहाँ ले आऊँ या यहाँ, अगर वेव फॉर्म को हमें शिफ्ट करना है एक रेफरेंस लेवल हो या बिलो, उसके लिए हम क्लैंपर सर्किट का यूज़। हम क्लैंपर सर्किट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर तीन एलिमेंट्स जो है हम यूज़ कर सकते हैं। क्लिपर के लिए मैंने बात की थी कि वहाँ पर हम या तो जीनर डायोड यूज़ करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, या उसके अलावा रेजिस्टेंस। इसी तरह से यहाँ पर अगर क्लैंपर की हम बात करें, तो क्लैंपर के केस में दो एलिमेंट मैंडेटरी होंगे, एक तो होगा डायोड और एक होगा कैपेसिटर। इट के अंदर तीन एलिमेंट्स हो सकते हैं, एक हो सकता है डायोड, एक होगा कैपेसिटर और एक होगा रजिस्टर। वैसे दो एलिमेंट्स मैंडेटरी यानी कि आवश्यक रूप से लगे लगे होने चाहिए। कौन कौन से? दीज टू एलिमेंट्स यानी कि पीएन जंक्शन डायोड और ये कैपेसिटर क्लैंपर सर्किट के जो हैं मेन एलिमेंट्स हैं, ये सर्किट के अंदर रहने ही रहने चाहिए। अगर ये है तो वो क्लैंपर सर्किट है, नहीं है तो फिर मामला गड़बड़। रेजिस्टेंस हो भी सकता है, रेजिस्टर हो भी सकता है, और नहीं, ये दोनों ज़रूरी हैं, होना ज़रूरी है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पर इंसर्टर, डी स्टोरर और शिफ्टर, तीन काम ये करेगा। डीसी इंसर्टर यानी कि डीसी वोल्टेज को ऐड करा देगा, कैसे ऐड कराएगा वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। डीसी को रीस्टोर करा देगा और डीसी को शिफ्ट कर देगा यानी कि डीसी जो सप्लाई है उसको शिफ्ट कर देगा। ये तीनों काम कर सकता है क्लैंपर। तो ओवरऑल अगर बात की जाए, तो क्लैंपर का फंक्शन क्या हो गया, क्लैंपर सर्किट इज यूज्ड टू शिफ्ट द वेव फॉर्म अबव और बिलो द जीरो रेफरेंस लेवल, जो मैंने आपको बताया, वेव फॉर्म को या तो ऊपर या नीचे ये लेके आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, इफ द वेव फॉर्म, अगर वेव फॉर्म जीरो के ऊपर शिफ्ट हो जाता है ना, ये जीरो लाइन है हमने मान लिया, पर वेव फॉर्म इसके ऊपर शिफ्ट हो गया, मान लो यहाँ शिफ्ट, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव क्लैंपर। तो हम क्या नाम देते हैं, पॉजिटिव क्लैंपर। और अगर वेव फॉर्म नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, मान लो ये जीरो लाइन है हमारी और वेव फॉर्म शिफ्ट हुआ यहाँ पर, इसको हम नाम देते हैं नेगेटिव क्लैंपर। ठीक है, तो हम क्या नाम देते हैं, नेगेटिव। अगर ऊपर शिफ्ट हो गया, ये जीरो लेफ्ट, ये जीरो लाइन है, जीरो, इसी तरह ये भी जो लाइन है वो कौन सी लाइन है, जीरो लाइन, ये जीरो लाइन नहीं है, ऊपर वाली। अगर ऊपर शिफ्ट हुआ, पर ये जीरो लाइन है, अगर ऊपर शिफ्ट हुआ, जैसे यहाँ पर बोला ये वाला,
इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम नाम देंगे पॉजिटिव क्लैंप। अगर नीचे शिफ्ट हुआ तो इसको हम क्या नाम देंगे, नेगेटिव क्लैंपर। अगर साधारण भाषा में बात करें तो जो क्लैंपर है वो बेसिकली एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज को या करंट को एक क्लैंपिंग सर्किट जो है वो ऐड करा रहा है। कोई भी हमारा एग्जिस्टिंग सर्किट है उस एग्जिस्टिंग सर्किट के अंदर एक डीसी वोल्टेज को या करंट को ऐड करा रहा है। किस तरह से कराता है उसको हम आगे क्वेश्चन करेंगे जब देखेंगे। अभी तक हमने दो तीन चीज़ें सीखी हैं यहाँ पर। एक तो चीज़ क्या सीखी है हमने, सबसे पहली चीज़ हमने ये सीखी है कि क्लैंपर का यूज़ क्या है। क्लैंपर का यूज़ क्या है, ये शिफ्ट करेगा किसको, वेवफॉर्म अबव और बिलो द जीरो रेफरेंस लेवल। तीन एलिमेंट्स सर्किट के अंदर होंगे जिनमें से दो मैंडेटरी हैं। तो मैंडेटरी एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो है पी एन डायोड और एक कैपेसिटर। ये दोनों एलिमेंट्स मेन है, यानी कि हाथ और पैर की तरह काम करते हैं, इनका होना जरूरी है एफिशिएंटली काम करने के लिए। रेजिस्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। किस किस का काम करेगा, डीसी इंसर्टर, डीसी रिस्टोरर और डीसी शिफ्ट। के बाद यदि जो वेवफॉर्म है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है तो उसको हम नाम देंगे पॉजिटिव क्लैंपर। अगर नीचे शिफ्ट होता है जीरो लाइन के, यानी कि मेन रेफरेंस लाइन के, तो उसको हम नाम देंगे नेगेटिव क्लैंपर। ओवरऑल अगर बात करें तो ये डीसी वोल्टेज को या डीसी करंट को ऐड करा रहा है सर्किट के अंदर। क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके, सबसे पहला इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो एक क्लैंपिंग सर्किट के अंदर पीक टू पीक आउटपुट वोल्टेज और पीक टू पीक इनपुट वोल्टेज दोनों सेम होते हैं। पीक टू पीक आउटपुट और पीक टू पीक इनपुट का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक ये वेव फॉर्म बनाया है, यहाँ पर वोल्टेज है, ये पीक है और ये पीक है, पीक टू पीक ये पूरी डिस्टेंस तो हम कहेंगे पीक टू पीक। आउटपुट पर भी और इनपुट पर भी ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं क्लैंपिंग सर्किट। पीक टू पीक आउटपुट वोल्टेज और पीक टू पीक इनपुट वोल्टेज सेम होंगे आउटपुट में भी और इनपुट। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि जो क्लिपिंग सर्किट है, जो क्लिपर थे, वहाँ पर फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं हो रही थी, यहाँ पर भी फ्रिक्वेंसी आउटपुट पर इनपुट पर क्या रहेगी, सेम रहेगी। आउटपुट और इनपुट पर फ्रिक्वेंसी यहाँ पर भी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली। एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो जैसे कि मैं आपको ये एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये वाला ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर आपको एक इनपुट वोल्टेज दी गई है। इनपुट वोल्टेज कितनी है, 5 sin ωt। क्लैंपर लगा दिया, क्लैंपर लगाने के बाद आउटपुट आया 3 + 5 sin ωt। ऐसा मान लिया कि हमने ऐसा कोई आउटपुट आया होगा 3 + sin ωt। ये जो 3 है ये कांस्टेंट वोल्टेज इसमें ऐड हो गया डीसी वोल्टेज, और ये पीछे वाला जो हिस्सा है ये sin ωt हो गया। तो अब जो सर्किट जीरो से स्टार्ट हो रहा था अब वो शिफ्ट हो गया, वो कहाँ से स्टार्ट हो गया, वो 3 से स्टार्ट हो गया, शिफ्ट हो गया किधर की तरफ, शिफ्ट हो गया जीरो लाइन के ऊपर की तरफ, रेफरेंस लाइन के ऊपर की तरफ। रेफरेंस लाइन के ऊपर यानी कि पॉजिटिव साइड में शिफ्ट हो रहा है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, पॉजिटिव। तो ये जो क्लैंपर है कौन सा क्लैंपर कहलाएगा, पॉजिटिव। डीसी के लिए तो कोई फ्रिक्वेंसी है नहीं, फ्रिक्वेंसी अगर चेक करो तो यहाँ पर कितना है ओमेगा, ओमेगा बराबर कितना होता है 2πf, यहाँ पर भी कितना है ओमेगा, यहाँ पर भी किसके इक्वल होगा 2πf। इसका मतलब फ्रिक्वेंसी पहले भी और बाद में भी क्या है, सेम। पीक टू पीक वोल्टेज क्या है, यहाँ पर देखो तो पीक टू पीक वोल्टेज पहले भी कितना था 10, अब जब नया सर्किट बना है तो पीक टू पीक वोल्टेज तो सेम ही है चाहे शिफ्ट हो गया हो। पीक टू पीक वोल्टेज आउटपुट पर भी और इनपुट पर भी दोनों में सेम है, कितनी है 10। फ्रिक्वेंसी जो पहले थी वही फ्रिक्वेंसी बाद में भी ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है जो आपको ध्यान रखने पड़ेगी। उसके बाद अगर आपको एक वैल्यू ध्यान हो तो हम वैल्यू निकालते हैं, एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू। एवरेज वैल्यू या RMS वैल्यू निकालते हैं, आपने ऑल्टरनेटिंग करंट के टाइम पे भी ये निकाली होगी। इस एवरेज वैल्यू को यहाँ पर डीसी एवरेज वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला ये होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं x t के रेस्पेक्ट में। अब हमारा जो ये ग्राफ बनता है, ये वाला ग्राफ, ये जो ग्राफ बनते हैं हमारे, इसमें हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पर है t, यहाँ पर वोल्टेज को अगर मैं x से ले रहा हूँ तो ये x और t का मैंने कर दिया इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, एक पूरे साइकिल के लिए 0 से t। उसके बाद 1/t से इसको डिवाइड करते हैं, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आती है एवरेज वैल्यू। अब ये सीधी सी बात है कि ये जब इसका इंटीग्रेशन करोगे, मतलब इसके नीचे का एरिया निकालोगे, ये एरिया ही तो आएगा, आप लिखोगे x dt, इसके नीचे का एरिया ही तो निकाल रहे हो, यही तो कर रहे हो आप। ये क्या आएगा, इसका एरिया आएगा। ये जो इंटीग्रेशन है किसको बताता है, ये जो ग्राफ है इसके एरिया को बताता है, जिसको आपने t से डिवाइड कर दिया। जब आप इसको t से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर क्या बन जाती है, एवरेज वैल्यू, या जिसको dc वैल्यू भी कहते हैं, तो एवरेज वैल्यू बोलते हैं और dc वैल्यू। अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो यदि एवरेज वैल्यू का हम स्क्वायर कर दें तो उसका रूट निकाल दें, एवरेज वैल्यू का स्क्वायर करके उसका रूट निकाल दे तो उसको कहते हैं हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू ना। तो हम क्या नाम देते हैं, रूट मीन स्क्वायर और इफेक्टिव वैल्यू, और
शायद आप लोगों को ये याद हो, और याद नहीं है तो ये वैल्यू तो आपको रटी होनी चाहिए कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है वो तो जनरली हर केस में कितनी आती है, ए अपॉन रूट टू आती है, ए अपॉन रूट, चाहे वो साइन ओमेगा टी का कॉस हो केस हो, चाहे वो कॉस ओमेगा टी का केस हो, में एक साइकिल के लिए है ना, जीरो से टू टी एक साइकिल के लिए जो आरएमएस की वैल्यू है वो कितनी आती है, ए बाय रूट, जबकि डीसी वैल्यू के लिए जो डीसी वैल्यू है या एवरेज वैल्यू एक साइकिल के लिए कितनी आती है, एक साइकिल, इसकी ए साइन ओमेगा टी की और ए कॉस ओमेगा, ठीक है, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी के लिए, ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी के लिए जो आरएमएस वैल्यू आएगी हमारी कितनी आएगी, ए अपॉन रूट टू, और जो डीसी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जीरो, एक साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक पूरी साइकिल के लिए बात कर रहा हूँ, तो पूरी साइकिल में, हाफ साइकिल में बात करूंगा तो यहाँ पर फिर अलग वैल्यू आएगी, यहाँ पर शायद पाई वैल्यू आएगी, अगर हाई 2i अपॉन पाई वैल्यू आएगी, अगर मैं करंट में बात करूं और अगर मैं वोल्टेज में बात करता हूं तो 2i अपॉन v आएगी, हम फुल साइकिल की बात, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करें हम, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है फॉर द गिवन क्लैंपिंग सर्किट ड्रॉ द आउटपुट वेव फॉर्म, जो वेव फॉर्म है वो हमें स्क्वायर वेव फॉर्म के फॉर्म में दिया हुआ है, जिसकी पीक टू पीक वोल्टेज हमें दी हुई है 10, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी 20, पीक टू पीक कितना है 20 है, सर्किट हमें दिया है, इसमें ये कैपेसिटर है और ये डायोड लगा हुआ है और यहाँ पर है आउटपुट निकालना है इस लोड रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट, तो सबसे पहले वही करना है जो आपने किसमें किया था, जो आपने किया था क्लिपर सर्किट में, सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल और फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, जब डायोड की पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी, ठीक है, तो डायोड की पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, यानी कि ये डायोड का देखो ये जो जो कैपेसिटर है पोलैरिटी को आपको फिक्स कर देना है, कैपेसिटर की पोलैरिटी एक बार फिक्स कर दी तो उसके बाद पूरे क्वेश्चन के दौरान आपको पोलैरिटी चेंज नहीं करनी है, ऐसा नहीं कि कई बार आप प्लस लो कहीं पर आप माइनस लो, एक बार आप जो फिक्स कर दोगे वही फिक्स हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर ये प्लस है तो यहाँ पर मैंने इसका प्लस ले लिया, इसका प्लस ले लिया कैपेसिटर का, ये प्लस ले लिया और ये माइनस प्लेट, डायोड फॉरवर्ड कंडीशन में, तो फॉरवर्ड में डायोड क्या हो जाता है शॉर्ट सर्किट, आइडियल डायोड जो है फॉरवर्ड में क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट का मतलब है मैक्सिमम करंट जो है वो यहाँ से फ्लो, मैक्सिमम करंट यहाँ से फ्लो हो गया तो इसके अबाउट वोल्टेज क्या हो जाता है जीरो, और जो इसके अबाउट वोल्टेज होगा क्योंकि जो लोड रेजिस्टेंस है वो इसके पैरेलल में है, पैरेलल में है तो आउटपुट पर जो वोल्टेज है वो कितना आ जाता है जीरो, आउटपुट पर जो वोल्टेज है वो कितना आ जाता है जीरो। अब इसके सर्किट के लिए हम केवीएल अप्लाई करेंगे, केवीएल अप्लाई करोगे तो इसका जो सर्किट है वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये बैटरी हो गई, बैटरी हो गई कितने की 10 वोल्ट, ये कैपेसिटर लग गया और ये यहाँ पर शॉर्ट सर्किट, यहाँ से 10 वोल्ट की बैटरी, माइनस से प्लस, ये प्लस और माइनस, ठीक है, और यहाँ वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस तो वोल्टेज आएगा ही ना, अब इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है और इस सर्किट में इस तरह से घूम गए, क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस से प्लस जा रहा है तो उसको ले लिया मैंने 10, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप साइन क्या लेना चाह रहे हो, आप माइनस लेना चाहो तो माइनस ले लो, मैं जनरली जो साइन लेता हूँ माइनस से प्लस, यानी कि कम से ज़्यादा गए तो प्लस हो गया और ज़्यादा से कम आए तो माइनस हो गया, यानी कि माइनस से प्लस को मैं लेता हूँ प्लस, प्लस से जब माइनस में आते हैं तो मैं उसको लेता हूँ माइनस, यानी कि मेरा जो फंडा है वो ये है कि लो वैल्यू से हाई वैल्यू पे जाओगे इसका मतलब बढ़ रहा है प्लस, और जब हाई वैल्यू से लो वैल्यू पर आओगे यानी कि प्लस से माइनस में आओगे इसका मतलब कम हो रहा है तो उसको आप क्या लोगे माइनस। आप अगर उल्टा साइन लेना चाहे तो वो आप पर डिपेंड करता है, पर साइन एक बार जो ले लिया वो फिक्स करना पड़ेगा। मैंने ले लिया यहाँ पर 10 वोल्ट, उसके बाद ये हो गया कितना माइनस वीसी और इक्वल्स टू कितना हो गया जीरो, यहाँ से जो कैपेसिटर की वोल्टेज आ गई वो कितनी आ गई 10 वोल्ट आ गई, कैपेसिटर की जो वोल्टेज है वो कितनी आ गई 10 वोल्टेज। वंस चूज द पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर देन डोंट चेंज इट थ्रो आउट द क्वेश्चन, ये मैंने आपको बोला भी, एक बार आपने अगर पोलैरिटी फिक्स कर दी तो उसको फिर क्वेश्चन के दौरान आप चेंज नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड हो जाएगा ऑफ, यानी कि किस में आ जाएगा रिवर्स, रिवर्स बायसिंग में आ जाएगा, तो यहाँ से जो करंट की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, पर वोल्टेज जीरो नहीं होगा यहाँ से, वोल्टेज जीरो नहीं होगा तो यहाँ करंट जीरो हो गई। अब जो सर्किट है वो एज ये सर्किट बन जाएगा, कौन सा सर्किट बनेगा, अब ये वाला सर्किट, इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए मेरे को, अब सर्किट बन गया ये, और ये लोड रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पर बैटरी लग गई, ठीक है, और यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी थी, ये प्लस है और ये माइनस है, यहाँ जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी नॉट,
वोल्ट है, वी नॉट, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज था वो वी सी। इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये हो गया माइनस से प्लस जा रहा है तो ये हो गया 10, और ये प्लस से माइनस उतर रहा है ये हो गया माइनस वी, ये प्लस से माइनस उतर रहा है तो ये हो गया माइनस वी नॉट, और ये क्या जीरो। बी सी की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी आई, 10 वोल्ट आई, इसको मैंने कर दिया कितना, बी सी वैल्यू को 10 वोल्ट, वैल्यू 10 वोल्ट, रिवर्स हाफ साइकिल ना, ये बैटरी चेंज हो गई, सॉरी ये बैटरी की पोलैरिटी चेंज हो गई ना, नेगेटिव हाफ साइकिल है ये, बैटरी की पोलैरिटी चेंज, माइनस से प्लस, ये प्लस माइनस, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। अब ये क्या आंसर आ जाएगा, ये माइनस 10 यहाँ पर ये, और ये प्लस से माइनस ये 10, ये वैल्यू हमने निकाली थी माइनस 10, ये कितना हो गया माइनस 10 हो गया, माइनस 10 और माइनस वी नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 20, यानी कि आउटपुट जो वोल्टेज आ गया वो माइनस 20 आ गया। अब इसका वेव फॉर्म जब बनाओगे, इनिशियली जब इनपुट पे आपको वेव फॉर्म दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, 10 वोल्ट टू 10 वोल्ट पीक टू पीक वोल्टेज ये था। अब आप देखो तो पॉजिटिव पे ये शिफ्ट हो गया, जब पॉजिटिव पे जो वोल्टेज आया था ये आउटपुट का, पॉजिटिव पे जो वैल्यू आई थी आउटपुट पर वो कितनी आई थी, जीरो। और देखो पर यहाँ पर कितनी वैल्यू आई थी, जीरो, यानी कि ये 10 से सीधा किस पे आया, जीरो पे आया। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कितना आ गया था, जीरो, तो यहाँ पर क्या बन गया, जीरो। और नेगेटिव हाफ साइकिल में जो आउटपुट आया है वो कितना आया है, माइनस 20, तो ये माइनस 20, ये किधर की तरफ शिफ्ट हो गया, पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो नेगेटिव साइड पे शिफ्ट हो गया, फिर से जीरो बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, माइनस 20। पीक टू पीक वोल्टेज को देखोगे तो वो अभी भी कितना है, 20 है, और यहाँ पर भी देखोगे तो वो कितना है, 20। पीक टू पीक वोल्टेज अभी भी सेम है, फ्रिक्वेंसी जो है वो अभी भी सेम है, जो शिफ्टिंग हुई है वो किधर किस तरफ हुई है, नेगेटिव साइड हुई है। तो ये कौन सा क्लिपर हो गया, ये हो गया नेगेटिव क्लैंपर, सॉरी पर बार बार दिमाग में आ रहा है, ये कौन सा हो गया, नेगेटिव क्लैंपर, ये कौन सा क्लैंपर हो गया, नेगेटिव क्लैंपर। यहाँ तक क्लियर भाई बात ना, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कर क्या रहा हूँ मैं। अब चलो आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ये वाला क्वेश्चन में क्या दिया है, एक साइन आपको वेव फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पर पीक टू पीक वोल्टेज देखो, अब यहाँ पर 10 वोल्ट है और यहाँ पर 8 वोल्ट है, यानी कि पीक टू पीक में 18 वोल्ट है, ठीक है, वेव फॉर्म अभी भी स्क्वायर वेव फॉर्म है पर अब 18 वोल्ट है, और जो डायोड है उसको अब अपोजिट पोलैरिटी में कर दिया है, पहले इस तरह से लगा हुआ था डायोड, अब जो डायोड है वो इस तरह से होना, क्या है चेंज क्या होगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वहाँ पर पहले डायोड ऑन कंडीशन में था, इसके पहले वाले क्वेश्चन, अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड आ जाएगा वो रिवर्स बायसिंग में आएगा ना, वो अब हमें चेक करना है कैसे करेंगे। अब यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है ये कितना है, 10 वोल्ट और ये कितना है, 8 वोल्ट, एक तो फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, यहाँ पर क्वेश्चन ही स्टार्ट हो रहा है नेगेटिव हाफ साइकिल से, क्योंकि ऑन कंडीशन में कब आएगा, नेगेटिव में, और ऑफ कंडीशन में कब आएगा, वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आएगा। मैं पॉजिटिव का पहले कर देता हूँ, फिर मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, पहले मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल का ले लेता हूँ। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, डायोड आ जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग में, डायोड रिवर्स बायसिंग में आ जाएगा, डायोड रिवर्स बायसिंग में आएगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, ऑफ कंडीशन, ऑफ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो वोल्टेज है वो ऐसे है, पॉजिटिव पे 10 है और नेगेटिव पे कितनी है, 8 है, पॉजिटिव पे जो वोल्टेज अप्लाई होगी वो कितनी अप्लाई होगी, 10, तो मैं नेगेटिव हाफ साइकिल लूंगा तो वहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई होगी 8, यहाँ पर जो वोल्टेज लिखी हुई है वो 10 वोल्ट है, इसको ध्यान रखना तो मैं बोल रहा हूँ। पोलैरिटी फिक्स कर ली कैपेसिटर की, एक प्लस हो गया और एक हो गया माइनस, और ये रिवर्स बायसिंग में हो गया तो ये हो गया ओपन, लोड रेजिस्टेंस हो गया ये। अब अगर आप अप्लाई करोगे केवीएल, केवीएल लगाओगे तो ये बनेगा 10, पोलैरिटी ये है प्लस और ये है, तो मैं माइनस से प्लस चल रहा हूँ तो मैंने ले लिया 10, फिर ये प्लस से माइनस जा रहा है तो इसको लिख दिया मैंने वी सी, यहाँ मेरे को आउटपुट निकालना है तो इस आउटपुट को लिख दिया मैंने वी नॉट, ठीक है, वी नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब मेरे को पहले वी सी की वैल्यू चाहिए, वी सी की वैल्यू मेरे पास है नहीं, अभी इस इक्वेशन को मैंने ऐसा का ऐसा छोड़ दिया, क्यों कि पहले मैं वी सी की वैल्यू निकालूंगा उसके बाद मैं इसकी आउटपुट की वैल्यू बता सकता हूँ। पहले अब मैं वैल्यू निकाल के लेता हूँ वी सी की, वी सी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, वी सी की वैल्यू निकालने के लिए अब मैंने नेगेटिव हाफ साइकिल लगाया,
नेगेटिव हाफ साइकिल में अब क्या होगा कि पोलरिटी चेंज होगी, पोलरिटी चेंज होगी तो ये माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा प्लस, अब ये माइनस का हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर वोल्टेज देखो कौन सी आ गई है 8 वोल्ट, क्योंकि मैं नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ और नेगेटिव हाफ साइकिल में देखो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कौन सा है 8 वोल्ट है, ये कौन सा हो जाएगा 8 वोल्ट हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा 8 वोल्ट, पोलरिटी चेंज हो गई है, पोलरिटी चेंज हो गई तो अब ये माइनस और डायोड का माइनस दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, यानी कि डायोड का नेगेटिव, तो डायोड किस में आ जाएगा ऑन में, यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड ऑन में आ जाएगा, तो यहाँ से करंट सारा पास होगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगा यहाँ पर जितना वोल्टेज यहाँ पर होगा उतना ही आउटपुट आउटपुट पर आएगा, तो आउटपुट पर वोल्टेज कितना हो गया है 0, सर्किट जो बनेगा वो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, ये माइनस ये प्लस, पोलरिटी फिक्स है ये इस, यहाँ पर हो गया 8, यहाँ हो गया 20, यहाँ से ये किधर जा रहा है प्लस से और ये माइनस में और ये प्लस से माइनस, ठीक है, तो ये हो गया 8 प्लस VC हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 8 माइनस VC इक्वल्स टू 0, VC की वैल्यू हो जाएगी 8, आउटपुट वोल्टेज कितना हो गया है नेगेटिव में 0, ये ध्यान रखना आप। अब मैं यहाँ से वैल्यू निकाल सकता हूँ, किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, मैं आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकता हूँ इस इक्वेशन बना के, VC की वैल्यू मेरे पास आ गई है, कितनी आ गई है माइनस 8, माइनस 8 और माइनस 8 ये माइनस साइन होकर प्लस हो जाएगा, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 8, तो अब आउटपुट पर आया है कितना 18। अब इसका बनाओ ग्राफ, जब इसका ग्राफ बनाओगे तो यहाँ देखो पहले कितना था 10, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और नेगेटिव हाफ साइकिल में कितना था माइनस 8, अब नेगेटिव हाफ साइकिल में इस केस में जो आउटपुट है वो कितना है 0, नेगेटिव पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया कहाँ पर 0, पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है वो कितना रहा है 18, ये कितने पे शिफ्ट होगा 18, ग्राफ बन गया, क्योंकि शिफ्टिंग जो हुई है वो किधर की तरफ हुई है पॉजिटिव साइड पे, इसको हम क्या नाम देंगे पॉजिटिव, तो हम क्या नाम देंगे पॉजिटिव क्लैंपर, इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, फ्रिक्वेंसी सेम ही है पहले भी थी, जो फ्रिक्वेंसी थी वही फ्रिक्वेंसी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, नोट लगा के एक चीज़ याद कर लेना, वो क्या है, क्लैंपर सर्किट के अंदर जो हमारे पास टाइमिंग होता है चार्जिंग का टाइम वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है 0 के आसपास, और डिस्चार्जिंग का टाइम, किसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का टाइम है कैपेसिटर, कैपेसिटर की चार्जिंग का जो टाइम है क्लैंपर सर्किट के अंदर वो कितना होता है 0, अप्रोच करता है 0 को, चार्जिंग का जो टाइम है वो अप्रोच करता है किसको इन्फिनिटी, यानी कि जो टाइम होता है इस टाइम को हम किससे लिखते हैं आर एल इंटू सी, लोड रेजिस्टेंस को हम कैपेसिटर से मल्टीप्लाई करते हैं, लोड रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का मल्टीप्लिकेशन इस टाइम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, टाइम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये जो चार्जिंग टाइम है ये अप्रोच कर जाता है किसको, चार्जिंग का जो टाइम है वो किसको अप्रोच कर जाता है टाइम पीरियड ऑफ इनपुट वेव, सी फिक्स हो है और आर एल, सी की जो वैल्यू है वो फिक्स है, आर एल की वैल्यू हम जितनी हाई ले सकते हैं उतनी हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये क्वेश्चन जो है इसमें कोई लोड रेजिस्टेंस नहीं लगाया हुआ है और जो कनेक्शन है पीएन जंक्शन डायोड के, पीएन डायोड के, वो इस तरह से कनेक्ट किया। सबसे पहले तो जब इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आप क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करो, नेगेटिव हाफ साइकिल, क्यों, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल से स्टार्ट करोगे तो यहाँ ये किस में आएगा फॉरवर्ड बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग में आएगा तो करंट यहाँ से 0 होगी, तो इसके अबाउट आउटपुट वोल्टेज जो है वो 0 हो जाएगी ना, चाहो तो आप पॉजिटिव से भी कर सकते हो पर पॉजिटिव में फिर वो इक्वेशन बना के छूट जाएगी आपको, एक तो वैल्यू है वो अननोन रहेगी, वो अननोन वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी और उसके बाद क्वेश्चन, इसलिए पहले नेगेटिव से मैंने स्टार्ट कर दिया, चाहो तो आप पॉजिटिव से भी कर सकते हो। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो डायोड है वो ऑन पोजीशन में हो जाएगा, ऑन में क्यों हो जाएगा, क्योंकि डायोड ऐसे लगा हुआ है तो माइनस से माइनस कनेक्ट हो जाएगा और प्लस से, क्वेश्चन कुछ कुछ वैसा ही है जैसा लास्ट क्वेश्चन में था, तो यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई हो गया वो कितना हो गया 8, पर ये सीधा सिंपल सर्किट बन गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया 0, और आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर जब आप लगाएंगे 8 माइनस बी, यहाँ पर देखो पोलरिटी चेंज करके लिया मैंने, पोलरिटी अब मैंने प्लस नहीं ली इसकी, इस केस में मैंने माइनस ली, माइनस यहाँ प्लेट कर दी और ये प्लेट कर दी प्लस, तो अब जो VC का आंसर आएगा वो कितना आएगा 8, पहले इसके पहले वाले केस में VC का आंसर आया था माइनस 8, यहाँ पर पोलरिटी ले रखी थी प्लस और ये माइनस, अब मैंने पोलरिटी प्लेट की चेंज करी है, इसको मैंने माइनस लिया है इसको प्लस, तो अब आंसर आएगा VC। फिर हम बात करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल की, अब देखो यहाँ पर मैंने पोलरिटी चेंज नहीं की है, आपको भी नहीं करनी, तो अब ये कितने का था 10 वोल्ट का, ये माइनस 8 हमारे पास ऑलरेडी आंसर है, अब
जब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात होगी तो डायोड किस में आ जाएगा, रिवर्स बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग का मतलब ये हो गया ऑफ, और ये ऑफ होने का मतलब है यहाँ से करंट हो गई जीरो। अब तो करंट सीधी सीधी पास होगी, यानी कि सर्किट ऐसा बनेगा, माइनस प्लस ये आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ ये 10 वोल्ट और ये कितना वोल्ट हो जाएगा, 8 वोल्ट। तो पहले इसको मैं वी सी लिख देता हूँ, क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 10, माइनस से प्लस जा रहे हैं, यहाँ पर भी जो पोलरिटी है वो माइनस से प्लस है, तो इसको मैं लिखूंगा प्लस वी सी। तो यहाँ पर प्लस से माइनस है तो इसको लिखूंगा मैं माइनस वी नोट प्लस टू जीरो। अब चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है इन नोट्स, वो डिपेंड करता है आप साइन कन्वेंशन क्या ले रहे हैं। वी सी की जो वैल्यू है वो माइनस 8 है, ठीक है। वी सी की जो वैल्यू है गलत लिया गया, वी सी की वैल्यू 8 आई है ना, माइनस 8 थोड़ी आई है, वी सी की वैल्यू 8 है। हाँ, वी सी की वैल्यू कितनी है, 8। ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 8 माइनस वी नॉट इक्वल, वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 18। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पोलरिटी चेंज भी करते हो इसकी, मतलब आप ज़रूरी नहीं कि जो मैं पोलरिटी आपको बता रहा हूँ वही लो, अगर आप कैपेसिटर की पोलरिटी माइनस पहले ले लो प्लस बाद में ले लो उससे भी सॉल्व करते तो क्वेश्चन सेम ही आएगा। ये क्वेश्चन वही था जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, बस आपको ये इसलिए कराने के लिए बताया गया है कि अगर आप कैपेसिटर की पोलरिटी को वो ना लो जो कि मैं ले रहा हूँ, आप ये कहो कि मैं तो पहली प्लेट को माइनस लूँगा दूसरी प्लस लूँगा, तो भी आंसर आपका सेम आएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला है, कंक्लूजन हमारे पास ये निकला है कि द आउटपुट ऑफ क्लैम्पर सर्किट डजंट चेंज बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लोड रेजिस्टेंस। एक तो पहला चीज, रेजिस्टेंस प्रेजेंट है या नहीं है उससे क्लैम्पर सर्किट का जो आउटपुट है वो चेंज नहीं हो रहा है, आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है लोड रेजिस्टेंस की प्रेजेंस का और प्रेजेंस होने का और नहीं होने का। अगर लोड रेजिस्टेंस नहीं है तभी भी आपने आंसर देखा सेम है, लोड रेजिस्टेंस था तभी भी आंसर क्या था, सेम था पहला। दूसरा कि अगर जो पोलरिटी है वो मैंने एक बार ली प्लस एक प्लेट पर और दूसरी प्लेट पर माइनस थी, थोरली क्वेश्चन आपको फिक्स रखना है, फिर क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं माइनस और प्लस पोलरिटी लेके और उससे भी अगर आंसर निकालूं तो आंसर सेम क्या आएगा, सेम आएगा। पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो पोलरिटी है जो आपने एक बार फिक्स कर दी प्लेट की वही थोरली आपको पूरे क्वेश्चन में लेनी है, आंसर पे कोई इफेक्ट उससे नहीं पड़ेगा, आंसर आपका भी सेम आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आउटपुट में जो है, जो जैसे कैपेसिटर की वोल्टेज है, एक बार जब मैंने प्लस पोलरिटी ली थी तो वहाँ पर आया था, पहली प्लेट को प्लस लिया था दूसरी को माइनस लिया था तब वी सी आया था माइनस 8, और जब मैंने माइनस लिया पहली प्लेट को दूसरी प्लेट को मैंने लिया प्लस तो आंसर आ गया था 8। मैग्नीट्यूड सेम रहा, वो पोलरिटी के हिसाब से वो उसकी जो साइन है उसकी वैल्यू चेंज हो गई, पर ओवरऑल जो आंसर आया उस पर कोई भी इफेक्ट है वो क्लैंपिंग सर्किट जो है उसको सॉल्व करने के क्या प्रोसीजर होते हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले वी कंसीडर दैट पार्ट ऑफ द इनपुट वेव फॉर्म विच मेक्स द डायोड फॉरवर्ड बायस। सबसे पहले मैं जो इनपुट वो वेव फॉर्म है ये उस पार्ट को कंसीडर करना होता है जो डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में ला रहा होता है, ठीक है, डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में ला रहा होता है। कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ दिस साइकिल। सबसे पहले हम इस साइकिल के लिए क्या निकालते हैं, आउटपुट वोल्टेज, और उसके बाद कैपेसिटर वोल्टेज हम फाइंड आउट करते हैं जैसा कि हम करते हुए आए। उसके बाद नेक्स्ट में क्या करते हैं हम, तो नेगेटिव हाफ साइकिल है, नाउ कंसीडर नेक्स्ट हाफ साइकिल, यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल को कंसीडर करते हैं और उसके बाद जो आउटपुट वोल्टेज है वो निकालते हैं, और फिर उसके बाद जो हम एनालिसिस करते हैं पॉजिटिव और हाफ साइकिल का, पॉजिटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव हाफ साइकिल का जब हम एनालिसिस करते हैं तो जो कैपेसिटर की पोलरिटी है उसको हमें चेंज नहीं करना है, एक बार कैपेसिटर की पोलरिटी जो फिक्स हो गई वही होगी, उसे आप बार बार चेंज नहीं। इन केस ऑफ क्लैंपिंग सर्किट वी कंसीडर जीरो चार्जिंग टाइम एंड इनफाइनाइट डिस्चार्जिंग टाइम, जो कि मैंने आपको बता ही दिया जो चार्जिंग का टाइम है उसको हम कितना लेके चलते हैं जीरो, और जो डिस्चार्जिंग का टाइम है उसको हम कितना लेके चलते हैं इनफाइनाइट कैप, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाले क्वेश्चन में जो पीक टू पीक वोल्टेज है वो है पॉजिटिव हाफ साइकिल में 10 वोल्ट, पॉजिटिव हाफ साइकिल में है ये 10 और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये कितना लिखा हुआ है 20 वोल्ट लिखा हुआ है। डायोड देखो ऐसे लगा हुआ है, डायोड ऐसे लगा हुआ है तो सबसे पहला आपको क्या करना है, आपको वो पार्ट पकड़ना है जहाँ पर डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में आ रहा हो। दूसरी चीज, यहाँ पर एक बैटरी और कनेक्टेड है जिसकी वोल्टेज है 4 वोल्ट, ठीक, वोल्टेज कितनी है 4 वोल्ट है,
ये वोल्टेज इसके 4 वोल्ट है, तो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर देखो ये 4 वोल्ट है तो ये माइनस है और ये प्लस है, ये -4 है तो ये सीधा कनेक्टेड है बैट इसके डायोड के पी साइड से, और डायोड का एन साइड ये है, डायोड का एन साइड ये है। अब आप जब नेगेटिव हाफ साइकिल लोगे, कौन सी हाफ साइकिल लोगे, नेगेटिव नेगेटिव हाफ साइकिल लोगे, तो यहाँ पर जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल कंसिडर करोगे, यहाँ बैटरी का +4 है और यहाँ बैटरी का -4, ये डायोड का पी था और ये डायोड का। नेगेटिव हाफ साइकिल में वोल्टेज जो थी इनपुट वोल्टेज वो 20 है, पोलैरिटी चेंज हो गई, तो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, और कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनकी पोलैरिटी ले ली आपने, ये अगर माइनस ले लिया तो ये प्लस हो गया, ठीक है, ये माइनस हो गया तो ये प्लस हो गया। अब यहाँ पर ये -20 वोल्ट है तो यहाँ पर भी कितना आ गया, -20 वोल्ट आ गया। अब ये जो डायोड है ये किस में हो गया, ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग ना, हो गया ये फॉरवर्ड बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग में हो गया, ये सीधा किस में चला जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग में आ गया ना, ये हायर साइड हो गई और ये कौन सी साइड हो गई, लोअर, ये हायर पे आ गया और ये लोअर पे आ गया, तो करंट सीधी फ्लो कर जाएगी, तो ये हायर पे हो गया ना, ये हाई, ये क्या हो गया, फ्लो कर जाएगी ऐसे। तो अब क्या होगा, ये क्या हो गया फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग तो ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, हाँ क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये सीधी सीधी यहाँ पर एक वायर लग गई, तो यहाँ वायर लग गई, करंट सीधा फ्लो करेगा। अब इसके पहले वाले जो केस थे उन केस में क्या था कि यहाँ पर सीधा कनेक्शन था, तो आउटपुट वोल्टेज जो तो इसके अक्रॉस था वही आ रहा था, शॉर्ट सर्किट जैसे ही डायोड होता है तो उसके अक्रॉस तो वोल्टेज 0 है, परंतु यहाँ पर अब बैटरी लगी है, बैटरी लगी है तो बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही लोड के अक्रॉस वोल्टेज होगा। अब यहाँ पर बैटरी जो लगी है वो रिवर्स में लगी है, ऐसे लगी है माइनस और ये लगी है प्लस, हाँ ऐसे लगी हुई है, ये -4 वोल्ट और ये +4। अब जो बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज है वही यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगा, तो ये वोल्टेज कितना हो जाएगा, -4 वोल्ट। अगर ये बैटरी ऐसे होती, ऐसे ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पर जो वोल्टेज हो जाता वो कितना हो जाता, +4, अभी कितना हो जाएगा, -4, ठीक है, ये किसका वोल्टेज हो जाएगा, आउटपुट का वोल्टेज। तो अब सर्किट बनाओगे, सर्किट बनाओगे और किसकी वोल्टेज निकालोगे, कैपेसिटर, कैसे निकालोगे, आप चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, आपको इतना झमेला करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे सर्किट बना लो, ये माइनस हो गया बैटरी का, ये प्लस हो गया, ये कैपेसिटर की माइनस प्लेट और ये प्लस प्लेट, और इस सर्किट में मैंने घुमा दिया इसको ऐसे, यहाँ पर बैटरी ये लगी है और यहाँ पर ये लगा, ये कितने का है, ये 20 का है और ये निकालना है हमें, ये कितने का है, 4 का है, ये प्लस ये माइनस, माइनस ये प्लस, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करो, मैं प्लस से माइनस में जा रहा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ, प्लस से माइनस में जा रहा हूँ, प्लस से माइनस में जा रहा हूँ, तो इसको लिखा मैंने 20, प्लस से माइनस में जा रहा हूँ तो ये हो गया माइनस का, सॉरी इसका हो गया माइनस का, ये हो गया -20, ये माइनस से प्लस, ये हो गया +20, ये माइनस से प्लस फिर से, ये किसका हो गया, ये हो गया है माइनस से प्लस, ये फिर से किसका हो गया, प्लस का हो गया, हो गया प्लस का 4 = 0, क्या बन गया है, ये बनेगा 16। तो वी सी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 16 वोल्ट, वी सी की जो वैल्यू आ गई वो 16 वोल्ट, यानी कि कैपेसिटर की जो वोल्टेज है वो 16 वोल्ट आ गई है। आउटपुट वोल्टेज अब चाहो तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते थे और मेरे को दिख भी रहा है आउटपुट कितने का होगा, 4 का होगा, तो वी सी हो गया 16 और टोटल वोल्टेज कितनी है, 20, 20 में से 16 माइनस हुआ 4 वोल्ट आएगा, नेगेटिव आएगा क्योंकि ये माइनस प्लेट है और ये प्लस प्लेट। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल देखो, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में पोलैरिटी चेंज होगी इनपुट की, तो ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ पर जो डायोड था ऐसे लगा हुआ था, ऐसे यहाँ पर जो वोल्टेज आ रही थी वो कितनी आ रही थी, -4, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर जो वोल्टेज आ गई वो कितनी आ गई, +10। अब ये नेगेटिव साइड हाई साइड पे आ गई और ये लो साइड पे आ गई, तो बैट ये डायोड की पी साइड है ये लो साइड पे आ गई और नेगेटिव साइड किस पे आ गई, हाई साइड पे, हाई साइड पे आ गई, तो अब ये कौन सी बायसिंग होगी, रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग होगी तो ये किस में हो गया, ओपन हो गया, हो गया ये ओपन, ओपन हो गया, तो इससे करंट फ्लो होगी नहीं, करंट फ्लो होगी नहीं तो जो बैटरी है इसका कोई सेंस रहेगा नहीं अब ना, इस बैटरी का अब कोई भी मतलब नहीं रहेगा। अब यहाँ पर करंट ही फ्लो नहीं होगी, तो अब जो सर्किट बनेगा
सर्किट कौन सा बनेगा, मैं ये वाला तार तो हट गया, ये कनेक्शन तो हट गया, अब क्या बनेगा सर्किट, सर्किट कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ बनाता हूँ, ये माइनस पोलरिटी है, देखो पोलरिटी चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ये सीधा मैंने कहाँ से फ्लो करा दिया, लोड रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर बैटरी लगा दी प्लस ये माइनस निकाल रहा हूँ मैं, ये माइनस, ये कितना हो गया, ये माइनस से किधर जा रहा है प्लस, ये माइनस से प्लस जा रहा है, तो माइनस से प्लस इसको लिखा मैंने 10 क्योंकि यहाँ पर 10 है, और ये माइनस से प्लस अगेन तो इसको मैंने लिख दिया VC, और जो वोल्टेज है वो प्लस से माइनस हो गया, वो तो उसको मैंने लिख दिया माइनस, हो गया माइनस वी नॉट इक्वल्स टू जीरो प्लस से माइनस। अब VC की जो वैल्यू है वो कितनी है, VC की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी 16 आई थी, VC की वैल्यू आई थी 16, तो VC की वैल्यू को रखो 16, ये हो गया 10 प्लस 16 माइनस वी नॉट इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से वी नॉट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 26 आ गई, वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 26। अब आउटपुट वेव फॉर्म बनाओ, तो आउटपुट वेव फॉर्म बनाओगे तो देखो कैसा बनेगा, तो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसमें कितना था माइनस 20, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कितना था 10। सबसे पहले हमने नेगेटिव हाफ साइकिल ली थी तो उसमें जो आउटपुट वोल्टेज आई थी हमारे पास वो कितनी आई थी माइनस 4, ये शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, किधर की तरफ शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, तो ये हो गया माइनस 4 वोल्ट, फिर यहाँ पर ये कितना था 10 वोल्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारे पास जो आउटपुट आया है वो 26 वोल्ट, तो ये 26 वोल्ट ऊपर शिफ्ट हो गया। ओवरऑल अगर बात करें तो ये नेगेटिव से किधर शिफ्ट हो गया पॉजिटिव की तरफ, और पीक टू पीक वोल्टेज अगर निकालोगे तो कितना रहा है 30 वोल्ट, तो ये पहले ही तो कौन सा क्लैंपर हो गया, ये हो गया पॉजिटिव क्लैंपर, ये कौन सा क्लैंपर बन गया पॉजिटिव क्लैंपर, और इसकी पीक टू पीक वोल्टेज क्या है सेम। होपफुली अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्लैंपर सर्किट को आपको किस तरह से सॉल्व करना है, पोलैरिटी के आपको ध्यान रखना है, कैपेसिटर की पहले पोलैरिटी जो आपने फिक्स कर दी है एक बार वही पोलैरिटी आपको पूरे क्वेश्चन के और थोरली लेनी है, उसके बाद जो डायोड है उसका आपको किस तरह से यूज़ करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि फॉरवर्ड बायसिंग किस केस में हो रही है, फॉरवर्ड बायसिंग के केस से आपको क्या पता लग जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफर आ जाएगा और उससे आपको फिर बीसी यानी कि कैपेसिटर की वोल्टेज पता लग जाएगी, उससे नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट वोल्टेज निकालना आसान, अगर जो शिफ्टिंग है वो अबव द रेफरेंस लाइन हो रही है यानी कि मेन लाइन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो जो क्लैंपर होगा वो पॉजिटिव क्लैंपर, अगर वो रेफरेंस लाइन के नीचे शिफ्ट हो रहा है तो जो क्लैंपर होगा वो नेगेटिव क्लैंपर होगा, तो इट इज़ ऑल अबाउट क्लैंपिंग सर्किट्स, और होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर करें।